हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और ये शाम का टाइम है, कुछ 5 बजे का, और यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह जो है उतार कर रख रही हूँ। आज मैंने कपड़े बहुत ज़्यादा कपड़े धोए थे, बहुत सारे कपड़े थे, क्योंकि मैं 2-3 दिन से घर पर भी नहीं थी, तो बहुत सारे कपड़े भी हो गए थे और घर के बहुत सारे काम थे। और ये कपड़े मैंने आप लोगों को बताऊं कि मैंने सुबह से स्टार्ट किए थे 10 बजे से, फिर 12 बजे तक पानी आता है, फिर उसको शाम को भी मैंने 2 बजे मतलब फिर 12 बजे पानी आता है, तो 2 बजे तक वो धोए, मतलब सुबह लगाई थी मशीन, तो सारा दिन मतलब ऐसा निकल गया कपड़े धोने में भी। और कपड़े बहुत ज़्यादा थे, और बाहर का मौसम देख ही रहे हैं, बारिश वाला मौसम है, तो मैं कपड़े वगैरह उतार के अब अंदर लेकर जा रही हूँ कि कहीं बारिश ना आ जाए, मेरी इतनी मेहनत ख़राब ना हो जाए। और ये कुछ कपड़े थे मशीन के अंदर पड़े हुए जो मैं डालना ही भूल गई, क्योंकि मैं इतना थक गई थी। मैंने किचन का डीप क्लीनिंग किया, पूरे घर को मैंने अंदर से धोया है, काफ़ी सारे काम थे, और फिर मैं नहाने चली गई थी। ये एंड वाले कपड़े थे, मैंने सोचा अभी डालूंगी, फिर बच्चों को खाना वाना देने गई और फिर उनको रेडी किया, ट्यूशन छोड़ा, फिर मैं ये भूल गई थी, तो और अब मैं डाल रही हूँ। बारिश वाला मौसम है, जो कपड़े सूख गए थे वो लेके जा रही हूँ, उनको हवा जितनी लगेगी जब तक नहीं आती तब तक मैंने सोचा बाहर डाल दूँ, नहीं तो स्मेल कर जाएंगे, तो बस ये कपड़े वगैरह ही मैं डाल रही हूँ। तो सारा दिन मतलब ऐसे ही जो होता है घर में, अगर आप एक दिन क्या आधे घंटे के लिए भी बाहर जाओ तो कोई ना कोई काम निकल आता है। तो मैं तो 3-4 दिन से घर पे नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा कपड़े वगैरह और काम बढ़ गया था। तो अभी मैंने कपड़े वगैरह जो हैं सारे जो नहीं डाले थे, जो रह गए हैं वो डाल रही हूँ, और बाकी सारे जो कपड़े मैंने आकर सबसे पहले कपड़े भी मशीन लगा ली थी कि कपड़े धुक जाएँ, और घर वगैरह साफ़ किया, तो इस वजह से भी ज़्यादा थकावट हो गई थी मुझे, लेकिन ये सारे काम मेरे हैं, मैंने करने हैं, तो बस ये होता है कि फटाफट से मैं कर दूं जो मेरे काम है ख़त्म हो जाएं। और कपड़े तो डेली वेयर पहनने वाले कपड़े हैं, तो ये होता है फटाफट से डल जाएं तो रह ना जाए कोई भी, तो धुप जाएं सारे। तो ऐसे है, मैंने सारे कपड़े वगैरह धो दिए थे और बस अब सुखा रही हूँ, जितनी देर ये सूख जाएंगे रह जाएंगे, मतलब बारिश नहीं आती तब तक बाहर डाल के रखते हैं, बाकी वाले मैं अंदर ले जाऊँगी, और इसके बाद जो है मैं सीधा जाऊँगी किचन के अंदर, खाना वाना बनाना है, खाने की तैयारी करनी रात की, क्योंकि बच्चे गए हुए थे ट्यूशन, और मेरा बच्चों के जाने के बाद यही काम होता है। मैं आपको हमेशा अक्सर ही बोलती हूँ कि बच्चे जाते हैं ट्यूशन और मैं जब स्कूल, तो मैं अपने काम जो है फटाफट से ख़त्म कर देती हूँ, यही मौका होता है कि अपने काम वगैरह फ्री होकर जो है रख कर दो, फिर बच्चों में जो काम होने वाले नहीं कर सकते वो नहीं रह जाते हैं। तो बस मेरा यही रहता है कि कपड़े वगैरह जो मेरे काम है घर के वो मैं अपने करते रहती हूँ। तो अब मैंने एक साइड जो है दाल उबाल दी थी, साबुत मसर की दाल बना रही हूँ, और फ्राई पैन रख दिया है, और बस लहसुन वगैरह छील रही हूँ, लहसुन वगैरह जो है छील लूँगी, जितना मुझे छीला जाता है ना मैं ऑन दी स्पॉट उतना छील कर लहसुन डाल देती हूँ, और नॉर्मली प्याज टमाटर हो गया हरी मिर्च, यही चीज़ें होती हैं जो हर घर में होता है, मतलब जो मिडिल क्लास फैमिली है तो ऐसा सिंपल खाना ही होता है। तो यही मेरा रूटीन रहता है और यही मेरा काम रहता है सारा दिन, कि अपने जो काम है वो मैं अपने ख़त्म कर देती हूँ बच्चों के आने से पहले। और चाय वगैरह मैंने पी ली थी, बस ये था कि अब टाइम हो गया था खाने का ही, खाना बनाने का, तो बस दाल बना दी, इतना थक गई थी, सोचा था राइस बना दूँगी, लेकिन हस्बैंड रात को जो है राइस नहीं खाते हैं, पसंद नहीं करते, फिर इस वजह से मैंने जो है आटा गूंद के रोटी ही बनाई थी। तो और बस यही सारा दिन मेरा ऐसे ही निकल जाता है, और ब्लॉग में यही कोशिश करती हूँ डेली जो है मैं सुबह डालूँ, लेकिन आजकल कुछ सेटिंग ऐसे बैठ नहीं रही, लेकिन ब्लॉग आप लोगों को सुबह या दोपहर या शाम को एक दिन में मिल ही जाएगा। आगे मैं अपना एक रूटीन बांधूँगी कि इस टाइम पे ब्लॉग आए और आप लोगों को पता हो कि इस टाइम पे मैं ब्लॉग डाल देती हूँ अपना। और आप लोगों को यही बोलूँगी, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो ज़रूर शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है और दिल से ब्लॉग बनाऊँ तो फिर आप लोगों का सपोर्ट ना मिले तो बहुत बुरा लगता है। तो मैं यही चाहूँगी जो लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरी वीडियोज़ जिनको अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर नए हैं सब्सक्राइब करके जाना, और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, और लाइक कर दीजिए, लाइक में बहुत कंजूसी करते हैं आप लोग। और यहाँ पर मैंने जीरा डाल दिया था सरसों का तेल डालने के बाद, तो लहसुन डाल दिया, जब तक लहसुन भुनेगा तब तक मैं प्याज वगैरह कट कर लेती हूँ फटाफट से, और दाल को हम तड़का लगा देंगे, क्योंकि मेरा यही काम होता है कि एक साइड जो मैंने दाल रख दी है तो मैं अपना ये वाला काम भी ख़त्म कर देती हूँ कि चलो जो है
सब्जी वगैरह बना के रखी हो, आटा वगैरह गूंदिया हो, तो बच्चे जब आएंगे तो, क्योंकि वो आते हैं 7-7:30 बजे, फिर उतने बजे मैं उनको जो है खाना वगैरह खिला देती हूँ, क्योंकि 4-4:30 बजे ट्यूशन जाते हैं तो इतनी लेट ही आते हैं वो, तो फिर मुझे होता है आकर उनको खाना वाना जो है मैं दे दूँ, खिला दूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने प्याज वगैरह सारा मसाले वगैरह अपने भून लिए थे, और बस अब जो है इसके अंदर मुझे सूखे मसाले हैं वो ऐड करने हैं, वो मैं ऐड कर दूँगी अभी। और जो नॉर्मली मसाले होते हैं नमक मिर्च हल्दी, और एक चिकन मसाला मैं ज़रूर ऐड करती हूँ, उससे जो सारा टेस्ट जो है बहुत अच्छा आ जाता है, तो वो मैं ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे आप डिब्बा देख रहे हैं, मैंने मिर्ची का अचार डाला है, आम का भी डालना है, आम का नहीं है, मिर्ची का डाल मैंने खुद से डाला था, बहुत टेस्टी और यमी बना है। और अभी जैसे कि सीज़न है अचार वगैरह लोग डालते, तो आम का अचार डालना है, आज आम का अचार ख़त्म हो रखा है तो हमारे घर में यूज़ भी होता है, सारे खा भी लेते हैं, तो मैं जो है आम का अचार रह गया वो अभी मैं डालूंगी बनाऊंगी जब भी अभी मुझे मौका मिलेगा। और ये मिर्ची का अचार भी मैंने सोचा था आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन जो है कर नहीं पाई क्योंकि फटाफट से मैंने डाल दिया। और यहाँ पे मेरी दाल वगैरह भी जो है तड़का वगैरह रेडी हो गया था, मैं इसके अंदर जो है डाल देती हूँ इसको, और ये बनती रहेगी तब तक जो है मैं अपना आटा वगैरह गूंद लूँगी। और बस आटा गूंदने वाला था तो मैंने सोचा गूंद के रख दूँ, और बच्चे भी आ गए थे, बच्चों को मतलब मैं लेकर आ गई थी ट्यूशन से, और अभी इनका टाइम भी हो गया खाने का, और अब मैं फटाफट से जो है बनाऊंगी खाना जो है, रोटी वगैरह लगा दूंगी क्योंकि 8:15 का टाइम हो गया था, लेट हो गया था, तो फिर अभी फटाफट से जो है मैं अपनी रोटी वगैरह जो है बनानी स्टार्ट कर दूंगी। तो बस यहाँ पे बर्तन थे थोड़े से, पहले सोचा बर्तन धो दूँ, उसके बाद मैं रोटी वगैरह बनाऊँगी, बर्तन भी साथ के साथ, क्योंकि बर्तन भी हो ही जाते हैं, बच्चों वाला घर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और बर्तन थोड़े से शाम के थे चाय वाय के, और अभी आटा वगैरह गूंदा है जैसे मैंने दाल को तड़का लगाया है, तो वो थोड़े से बर्तन थे अभी धो दूँगी। और पीछे अब देख रहे हैं बेटा मेरा फ्रिज खोल रहा है, तो ये सारा दिन फ्रिज खोलता है, सारा दिन फ्रिज बंद करता है, इसका यही काम रहता है, मतलब फ्रिज के आसपास घूमना, ना इसको पानी पीना है, ना कुछ खाना है, ना कुछ करना, बस इसका काम भी यही रहता है। और रोटी मुझे ज़्यादा नहीं बनानी थी, 4 रोटी बनानी थी, बेटी दाल के साथ बोल रही थी मैं 1 ही रोटी खाऊँगी, 1 मेरी हो गई, 2 मैं अपनी बेटी की बनाती हूँ कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा खिला पाऊँ जितना वो खा, क्योंकि वो खाना बिल्कुल अवॉइड करता है, पसंद नहीं करता, तो मुझे 2 बना लेती हूँ, जितनी वो खा लेता है ठीक है, बाकी रह जाती है तो फिर मैं खा लेती हूँ। तो बस इतनी सी हमारा खाना है, जब हस्बैंड आएंगे मैं उनका तब बना दूँगी। और ये मेरा जो है रूटीन था, मैंने आप लोगों के साथ जो है शेयर किया, अगर आज का व्लॉग आप लोगों को मेरा अच्छा लगा है तो ज़रूर सपोर्ट करना, और आइए आप लोग भी जो है डिनर कर लीजिए, सिंपल सा डिनर है, दाल रोटी और बस। तो बस मैं अब जो करूँगी अपना डिनर और रात का खाना खाते हैं, और इस ब्लॉग को भी हम इसी के साथ यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो ज़रूर जाते जाते शेयर कर जाना, लाइक कर जाना, सब्सक्राइब कर जाना। चलिए जी फिर, बाय बाय।